एमवी अगस्ता एक इटालियन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिनकी बाइक्स बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश और पावरफुल होती है। फिर भी ये मोटरसाइकिल्स कंपनी कॉमन पब्लिक के लिए बीच उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है जितनी की डुकैटी, बीएमडब्ल्यू और यामाहा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन मैन ऑन टेना। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और इस वीडियो में हम बात करने वाले शानदार इटालियन ब्यूटीज को बनाने वाली कंपनी एमवी अगस्ता की स्टोरी के बारे में और साथ ही एंड में हम प्रेजेंट टाइम की अवेलेबल इनकी बेस्ट बाइक्स को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ज्यादातर ग्रेट मोटरसाइकिल्स कंपनी की तरह एमवी अगस्ता की शुरुआत भी वर्ल्ड वॉर टू की वजह से ही हुई। राइट ब्रदर्स के इन्फ्लुएंस काउंट जियोवानी अगस्ता ने 20th सेंचुरी की शुरुआत में एयरक्राफ्ट बनाने का काम शुरू किया। एक्सट्रीमली कैपेबल और एफिशिएंट एयरक्राफ्ट के साथ काउंट जियोवानी अगस्ता की एविएशन कंपनी इटालियन में काफी सक्सेसफुल होने लगी, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के बाद लगी सेक्शंस के वजह से इटालियन में एयरक्राफ्ट बनाना बैन हो गया। इस सिचुएशन में कंपनी को बंद होने से बचाने के लिए काउंट जियोवानी अगस्ता के बेटे काउंट डोमेनिको अगस्ता ने मोटरसाइकिल बिजनेस में आने का फैसला किया और 1945 में एमवी 98 के साथ एमवी अगस्ता मोटरसाइकिल कंपनी की शुरुआत हुई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एमवी 98 एक लाइट वेट मोटरसाइकिल थी जिसमें 98 सीसी का टू स्ट्रोक इंजन लगा था। थ्री गियर्स वाली ये लाइट वेट मोटरसाइकिल इटालियन लोगों को काफी पसंद आने लगी और 1946 से लेकर अगले कई सालों तक इस बाइक का मास प्रोडक्शन चलता रहा। इसके बाद एमवी अगस्ता ने 125 टूरिज्म और 125 कोर्सा जैसे बाइक्स को लॉन्च किया जो एमवी 98 के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल और तेज थी। इसके बाद एमवी अगस्ता ने 1953 में 175 सीरीज को लॉन्च किया। इसमें 175 सीसी फोर स्ट्रोक इंजन के साथ टूरिंग जीटी स्पोर्ट्स और सुपर स्पोर्ट्स वर्जन अवेलेबल थे। काफी सारे स्मॉल इंजन डिस्प्लेसमेंट्स वाली बाइक्स बनाने के बाद 1966 में एमवी अगस्ता ने पहली बार 590 सीसी फोर सिलेंडर इंजन वाली एमवी अगस्ता 600 को लॉन्च किया। एमवी अगस्ता ने इस बाइक को टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर स्पेशल एम्फेसिस दिया। पर रेक्टेंगल हेडलैम्प, हम्प ब्रेक, टैंक और स्टेप्सिस के वजह से इस बाइक को डिजाइन काफी अगली दिख रहा था। खराब डिजाइन और एक्सपेंसिव प्राइस के वजह से एमवी अगस्ता 600 मार्केट में फ्लॉप हो गई। शुरुआत में एमवी अगस्ता मोटरसाइकिल रेसिंग में एक्टिवली इन्वॉल्व रहा। एमवी अगस्ता 500 जीपी लेट 50s से लेकर 60s तक रेसिंग वर्ल्ड में काफी सक्सेसफुल रही, लेकिन मार्केट में डिसेंट सेल्स ना जनरेट कर पाने की वजह से 1970s में एमवी अगस्ता को फाइनेंशियल स्ट्रगल करना पड़ रहा था। फाइनली हाई प्रोडक्शन कॉस्ट और लो सेल्स के वजह से 1980 में एमवी अगस्ता को अपनी फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ी। इसके बाद 1992 में क्लाडियो क्लास्टेजोनियो ने एमवी अगस्ता को खरीद कर इसको रिवाइव करने का काम शुरू किया। कई सालों के बाद इंटरनल रिसर्च डेवलपमेंट के बाद 1998 में एमवी अगस्ता F4 को रिवील किया गया। 749 सीसी इनलाइन फोर सिलेंडर इंजन वाली ए स्पोर्ट्स बाइक काफी स्पोर्टी और स्टाइलिश थी। सिंगल साइडेड स्विंग आर्म और मैग्नीजम बॉडी पार्ट्स के साथ इसमें लग्जरी के 24 कैरेट गोल्ड से बने ऑथेंटिसिटी बैज दिया गया। इन प्रीमियम पार्ट्स के साथ 126 HP की मैक्सिमम पावर और 72 Nm की टॉर्क इस बाइक को शानदार परफॉर्मेंस देता था। लिमिटेड नंबर्स में प्रोडक्शन की गई इस लग्जरी स्पोर्ट्स बाइक में एक बार फिर से एमवी अगस्ता को इंटरनेशनल मार्केट में पॉपुलर कर दिया, लेकिन लो अवेलेबल और 1000 सीसी स्पोर्ट्स बाइक से मिलने वाले कॉम्पिटिशन्स के वजह से 2001 के बाद एमवी अगस्ता F4 की पॉपुलरिटी कम होने लगी। सुपर बाइक मार्केट में साथ बने रहने के लिए एमवी अगस्ता ने F4 को अपग्रेड करते हुए 2005 में एमवी अगस्ता F4 AGO को लॉन्च किया। सिमिलर डिजाइन के साथ इस बाइक में 98 सीसी इनलाइन फोर सिलेंडर इंजन दिया गया जो 166 HP की मैक्सिमम पावर और 108 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करता था। F4 AGO अपने टाइम से काफी आगे की बाइक थी। बायर्स ने भी सुपर स्पोर्ट्स बाइक को खूब पसंद किया, पर इस सक्सेसफुल मॉडल के अलावा एमवी अगस्ता के पास हाईली कॉम्पिटेटिव मार्केट में सर्वाइव करने के लिए होल सेल्स देने वाली एक भी बाइक नहीं थी। अपनी हाई प्रोडक्शन कॉस्ट और लो रेवेन्यू के वजह से एमवी अगस्ता को फाइनेंशियली कंडीशंस काफी खराब चल रही थी। इसी बीच 2008 में अमेरिकन कंपनी हार्ले डेविडसन ने एमवी अगस्ता को एक्वायर कर लिया
लार्ज इंजन वाली क्रूज बाइक्स के लिए फेमस हार्ली डेविडसन ने एमवी अगस्ता में काफी सारे पैसे इन्वेस्ट किए, जिससे एमवी अगस्ता ने नई ब्रूटली 990R, ब्रूटली 1090RR और न्यू एज F4 को डेवलप किया। साथ ही ऑल न्यू F3 के डेवलपमेंट का काम शुरू करने के एमवी अगस्ता ने एक बार फिर से सुपर बाइक मार्केट में एक बार मेजर प्लेयर बनने की तरफ बढ़ना शुरू किया। हार्ली डेविडसन के अंडर काम करते हुए एमवी अगस्ता के फॉर्मल ओनर कार्डियो कास्टजोनी ने चेयरमैन की अपनी पोजीशन पर बने रहे और हार्ली डेविडसन के हेल्प से एमवी अगस्ता को ग्रो करने में पूरा एफर्ट लगाते रहे। 2008 में हुई इस एक्विजिशन के 2 साल बाद ही हार्ली डेविडसन ने एमवी अगस्ता के सारे राइट्स क्लाइडियो कास्टजोनी को बेचकर खुद को इस कंपनी से अलग कर दिया। इसके बाद 2012 में एमवी अगस्ता ने F3 को लॉन्च किया। और 800cc ट्रिपल सिलेंडर इंजन वेरिएंट्स वाली ए बाइक सुपर स्टाइलिश लुक्स के साथ ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस ऑफर कर रही थी। F3 और F4 सुपर स्पोर्ट्स बाइक के अलावा एमवी अगस्ता के ब्रूटली सेल्स भी काफी शानदार थी, जिसमें 750S और 910R जैसे नेकेड बाइक्स अवेलेबल थी। मोटरसाइकिल्स के लिए अपने एक्सट्रीम पैशन की वजह से क्लाइडियो कास्टजोनी ने एमवी अगस्ता पर खूब मेहनत की, पर 2011 में उनकी डेथ के बाद एक बार फिर से कंपनी फाइनेंशियली क्राइसिस में पहुंच गई और फिर 2014 में अपने 25% ऑफ शेयर्स मर्सिडीज को बेचने पड़े। मर्सिडीज के साथ ज्वाइंट एडवेंचर में एमवी अगस्ता ने ब्रूटली ड्रैगस्टर और ब्रूटली 800RR जैसे कई शानदार बाइक्स डेवलप की। मार्केट में डिसेंट सेल्स की वजह से अगले कुछ सालों में एमवी अगस्ता की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी इम्प्रूव हुई, जिसके बाद 2017 में एमवी अगस्ता ने मर्सिडीज से अपने 25% ऑफ शेयर्स वापस खरीदकर खुद को इंडिपेंडेंट कर दिया। लेकिन ये कंपनी आज भी दूसरी वर्ल्ड क्लास मोटरसाइकिल कंपनीज की तरह प्रॉफिट जनरेट करने में स्ट्रगल कर रही है। एमवी अगस्ता की सारी बाइक्स हैंड बिल्ट होती है, जिससे एक्सपर्ट वर्कर्स अपने हाथों से बनाते हुए और असेंबल करते हैं। प्रीमियम पार्ट्स और लग्जरियस एलिमेंट्स और हाई परफॉर्मेंस इंजन की वजह से एमवी अगस्ता बाइक्स की प्रोडक्शन कॉस्ट काफी हाई होती है। एमवी अगस्ता की फैशनेट चेयरमैन क्लाइडियो कास्टजोनी के याद में बनी एमवी अगस्ता F4 क्लाइडियो दुनिया की सबसे महंगी बाइक्स में से एक है। लिमिटेड नंबर्स में बनी इस सुपर स्पोर्ट्स बाइक की प्राइस है $83,000, यानी कि लगभग 60 लाख रुपीस। इसका एलिगेशन डिजाइन और 998cc इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन से मिलने वाली मैसिव पावर से इसे अनबीटेबल बनाती है। इसके अलावा रश 1000 भी एमवी अगस्ता के स्पेशल इटालियन डिजाइन लैंग्वेज का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जो श्योरली मोटरसाइकिल हिस्ट्री में हमेशा मास्टरपीस की तरह कंसीडर किए जाएगा। एमवी अगस्ता की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और भी बाइक्स के रिलेटेड शानदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।